नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आप सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत है। आने वाले स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, मुहर्रम, सावन सोमवारी, पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पटना जिले के पुलिस प्रमुखों की एक बैठक आयोजित की गई। एसएसपी पटना सहित पटना जिले के सभी थाने से वरिष्ठ अधिकारी आए हुए थे। बैठक में पिछले दिनों हुए मर्डर, शांति व्यवस्था, आने वाले चुनावों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक में सुरक्षा से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा कर सहमति बनाई गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हिंसा भी हो सकती है, कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करवाना है। स्वतंत्रता दिवस हो, मुहर्रम, रक्षाबंधन आदि पर्व त्योहारों पर भी पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसी के मद्देनज़र पुलिस अधिकारियों ने बैठक में अपराध पर नियंत्रण के लिए जिले भर के पुलिस से मिलजुल कर काम करने की अपील की है। पुलिस अधिकारी के अनुसार सितंबर में पंचायत चुनाव भी शुरू हो रहा है। चुनाव के समय आपराधिक गतिविधियां बढ़ जाती है। इस पर काबू करने के लिए एक थाने की पुलिस दूसरे थाने की पुलिस के साथ तमाम सूचनाओं का आदान प्रदान करेगी और अपराध पर कड़ी नज़र रखने के लिए सभी के बीच में सहमति व्यक्त की गई। मोकामा और अन्य आसपास के अन्य समाचारों को जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसमें हम लोग आज क्राइम मीटिंग थी हम लोगों की, और इसमें हम लोग अपराध की समीक्षा करते हैं और आने वाले जो समय में जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी रणनीति बनाते हैं। अभी हम लोग का सावन का महीना चल रहा है तो सोमवारी वगैरह में ऐसे तो प्रतिबंध है, यदा कदा सूचना आ रही है कहीं कहीं पर प्रोटोकॉल टूट रहा है। उसके अलावा 19 तारीख को मुहर्रम भी है और आगामी अगले महीने से पंचायत चुनाव भी लगभग शुरू होने वाला है, तो अब स्थितियाँ थोड़ी गंभीर हो जाएंगी। उसको लेकर लोगों को हम लोगों ने हिदायत दी है किस तरह से काम करना है। इधर कुछ मर्डर्स की घटनाएं हुई हैं लेकिन वो सब डिटेक्ट हुए हैं, कुछ में गिरफ्तारियां बाकी हैं। जैसे परसावाला वाला मर्डर केस भी है, वो भी हम लोग अब लाइन पे हैं, वो भी लगभग गिरफ्तारी बाकी मात्र उसमें है। चौक थाना का मर्डर केस है, उसमें भी बस गिरफ्तारी बाकी, डिटेक्टेड केस है। बहादुरपुर में जो एक घटना घटी थी हॉस्टल में, वो भी डिटेक्ट हो चुका है, अपराधी का नाम भी आ चुका है, बस उसको पकड़ना बाकी है। एक घटना हम लोग के यहाँ जो घटी, दवा वैसा ही गोली मारी गई थी, अभी वो बेचारे, वो उनका अभी स्थिति बेहतर है, उनकी मृत्यु नहीं हो पाई बेटा में, तो वो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। तो हम लोग सभी जो जघन्य केसेस उसको गंभीरता से लेते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं और अपराध नियंत्रण करने के लिए हम लोग सभी कोशिश करते हैं। बेदौर थाना में गोली मारी गई, युवक जो है विधायक आनंद सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। एफआईआर कोई लिख के देता है तो एफआईआर करने के लिए कानूनी प्रक्रिया यही है कि इस पर एफआईआर करना है और कोई भी आगे की कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर होती है, ऐसा ही कानून कहता है। वो मैं वेरीफाई करूँगा, उसके बाद ही बता पाऊँगा। नहीं, क्राइम मीटिंग हर महीने होती है, चूँकि पंचायत चुनाव होने वाला है उसको लेकर हम लोगों ने बताया। बूथ वेरिफिकेशन वगैरह होगा, पंचायत चुनाव काफ़ी कंटेस्टेड होता है, आप लोग जानते हैं सबसे कठिन चुनाव है वो, किस तरह के उसमें टसल होती है, तो उसको लेके विधि व्यवस्था को कैसे उस वक्त निराकरण किया जाएगा, संधारित रखा जाएगा, उसको लेकर हम लोगों ने डिस्कस किए क्या क्या रणनीति रोड पर निकालनी है, ग्राउंड पर दिखाना है।